आप लोगों को मैं आज थोड़ा सा सीरियस लग रहा हूँ, उसकी एक वजह है। मैं जहाज में बैठा सफर के लिए, अब हुआ कुछ यूं कि मेरी बहन एयर होस्टेस चली खाना लेके आने के लिए, तो 7-8 लोग किसी की कोनी बाहर आई है, किसी का घुटना बाहर आया, किसी का पूरा मुंह ही बाहर आ गया। अब जब एयर होस्टेस चलने लगी तो उनकी नजर जब पहली कोनी पे पड़ी तो वो थोड़ा सा सिमटी, दूसरे चेहरे पर पड़ी तो उनके माथे पे हल्का सा पसीना आया, जब घुटने पे पड़ी तो वो और डर गई। मैंने अपने साथ बैठे हुए दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये परेशान क्यों हो रही है लड़की? तो कहने लगा, नहीं यार भाई ये तो इमरान भाई इनकी तो ट्रेनिंग ही बड़ी जबरदस्त होती है। मैं कहा हाँ ट्रेनिंग तो होती है कि रॉस्टेस जब जहाज के अंदर कोई आए चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सबसे प्यार से बात करे, एक मतलब जो मेजबान का जो काम होता है वो करे। कहता नहीं भाई, हमारे माशरे के कुछ लोग जैसे कि 7-8 लोग उस जहाज में मौजूद थे, इनसे बचने के लिए बिजली की तारों के बीच में से गुजारने की ट्रेनिंग दी जाती है, दोनों तरफ आग लगा के गुजारा जाता है कि इनके घुटने, इनकी गंदी नजरों और इनकी कोनियों से बचा जा सके। अब फ्लाइट खत्म हुई, हम बाहर जाने लगे तो सरदार साहब वो 7-8 लोग जाते जाते ना अपने विजिटिंग कार्ड मेरी बहन को दे रहे हैं। शेम, शेम, शेम। जब आपकी गली के दरवाजे के सामने से कोई गुजरता है जनाब, तो अपने घर की खवातीन को तो कहती हूं अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, जो कि अच्छी बात है। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिएगा, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज आप टिकट खरीदने वाले हैं, कल मेरी बहन, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां, आपकी बीवी। अगर घर का खर्च चलाने के लिए पूरी नेक नियति के साथ काम करेगी तो आपकी नजरें उसके साथ ऐसी बदसलूकी करेगी क्या? बस एक लम्हे के लिए ये सोच लीजिएगा, होस्टेस चाहे बस की हो या जहाज की, वो हमारी कौम की बेटी है, हमारी इज्जत है, उनकी इज्जत करना सीखिए। मजाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। अरे ओ शेरा, आए हाय हाय, मेरे इस दोस्त को इज्जत प्यार मोहब्बत से यहां से ले जाया जाए। ये बात, ये बात, ये 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 बात सरदार साहब जी, अपनियां धियां नूं, अपनियां गैरतां नूं सांभ सांभ लुका लुका रखना ते दूजियां दियां इज्जतां नूं इंज वेखना, ऐ साहिब ये ठीक नहीं। दसो जरा की कहंदे हो? फिक्रिया जी मैं एक जहाज सां ते ओ इह मैं जहाज सां, अल्लाह ने तुहानूं इन्ने ने पैसे दिते ने, टाइम कढ के किते कन्न भी साफ करा लो। मैं कह रहा मैं जहाज विच सां। अच्छा अच्छा, मैं जहाज सां ते एक मुसाफिर घड़ी मुड़ी एयर होस्टेस नूं कही जा रहा सी, इधर आओ जो समंदर आवे मैं दस देना। उन्हें कहा सही दस देंगे, 10 मिनट बाद फिर इधर आओ समंदर आवे तो मैं दस देना। उन्हें को 8 बारी पूछा, उन्हें आके के बेचारी ने पूछ ही लिया कि भाई समंदर आएगा तुम करना की? कहना मैं भी सदके का गोश्त सुट रहा। वो तो मैं सरदार साहब ने किया, मैनू दे दे मैं सदका ले लैना। अपने काम के भी समंदर होए ने ना। यार मैं भी बड़े बड़े समुंदर वेखे ने, समुंदर दा एडा नक नहीं हुंदा सर। एक सहूलत होनी चाहिए हर एयरलाइन दे विच, भी तंग करने वाले मुसाफरों को फजा में कहीं भी उतारा जा सके। और सरदार साहब ये कानून बन गया ना तो फिर भले जहाज चो लंदन 2-4 बंदे पहुंचे करेंगे।
बाकी सारे फिजाज फिर अंडे ने की होया जी लेकिन अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह ही पाए जाते बिल्कुल 300 मुसाफिर थे हाँ मैंने 300 में से 8 की बात की यार को खुदा दा खौफ करो वो बच्चियां किस बहादुरी दे नाल करो निकल दिया ने काम करन और उन्होंने मां बाप नु सलूट है कि जेडे उन्होंने उस मुहब्बत और प्यार दे नाल भेजते ने और उस डर च रहते ने गल लंबी देर तक एक मिनट ठहर गल लंबी तो कोई बैठक खिला ली उच बह जाने आप दो किसों को बोल रहे हैं लाजी पीछे 7 मुसाफिर रह गए एक फड़िया अच्छा ये तो फिर भी चलो जहाज है ना मुसाफिर आते जाते ने गलियां महल्ले बाजारों के बीच तुसी अगर नजर दौड़ाओ तो इंज नजर जा रही होंगी यार मैं एक बारी टोपी वाला बुरका पा के आप सब्जी लैन गया क्यों इन्हां दे अपने अब्बा जी पिछे लग गए भाई तुसी यकीन करो चलो सिर्फ अब्बा जी पिछे लगते बंदा बर्दाश्त कर लैंदा अब्बा जी ने मैनू 300 दा इजी लोड भी कराया मैं तो समझा सी कि सरदार साहब कल्ले ही इस तरह दे ने ते एक सिलसिलेवार कहानी देखो ना कितनी नेचर माड़ी है यार माड़ी नेचर ये नहीं होना चाहिए इतने साड़ियाँ तियाँ पैड़ा ने ये आजादी नाल जिथे मर्जी फिर टर्न इंज ही वेखो जिस तरह अगर ती तो मेरे को वेखे तो तुम बर्दाश्त कर सकते हो और भी बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल सही है हमारी आज की मेहमान वाह जिंदगी में पहली दफा आयशा थाईलैंड गया मैं नया एक्टर बड़े बड़े एक्टर उस ड्रामे में थे कोई 12 स्टार हैवी ये वो लड़की है जिसने मेरा सीन देखने से पहले मुझे सीआर करते हुए देखा वाह मैं सीआर कर रहा था तो ये लड़की सुपरस्टार थी मतलब ड्राम हर तीसरे चौथे ड्रामे की हीरोइन थी एक नए लड़के के लिए ताली बजाने लगी तो मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत आगे जाओगे बोलती आंखें सेट पे तहजीब प्रोफेशनलिज्म किसी चीज की कमी नहीं यानी फन दी हांडी जी जिन्ने मसाले पैंदे ने उन्हां कोल है ने सारे मसाले ने और ये मसाले इस्तेमाल करती हैं ज़ारा सरादी आ जा आ जा आ जा थैंक यू सो मच इमरान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आपका नाम हो और किसी चीज़ के साथ जुड़ा हो तो कैसे नहीं और हाँ बिल्कुल थाईलैंड वाली जो कहानी है मैं कभी नहीं भूलती और उस सीरियल में मैंने इनको मार दिया था मर्डर किया था इनका और मुझे बहुत बुरा लगा था दिल से बुरा लगा था बट उस वक्त की बात मैं कभी नहीं भूलती बिकॉज जिस डेडिकेशन से आपने वो छोटा सा कैरेक्टर किया था जो कि बिल्कुल छोटा सा नहीं था क्योंकि इमरान ने उसको बहुत बड़ा बना दिया था और उसके बाद भी हमने बहुत काम किया एक दफ़ा हम एक सीरियल में बहन भाई भी थे बिल्कुल बहुत ही घटिया से बहन भाई थे बट बहुत मज़ा आया एक खुशनीयति होती है एक जज्बा होता है एक लगन होती है और वो जब भी किसी में हो तो वो कभी ना कभी रंग लाती है और वो आपकी सूरत में बिल्कुल ऐसे ही साबित अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सामने आई तो वो किरदार जो कि आज से 11 साल पहले का है वो बिल्कुल मेरे जहन में घूमने लगा हमें एक्ट करके दिखाएं ना थोड़ा सा ओ कदे सातो मंग दिए कन्ना वाले चुम के ते कदे मंगे मथे वाला टिका नी मैं कहा जानी मैडम की हाला तस्वीर रखिए प्लीज उठा फेंक टोकरी में
उठा फेंक टोकरी में सब कुछ रद्दी है, अगर फनकारा है तो वो जाला सरहदी है। आ गई जाला, हला ला 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 ला, मार डाला। बस गल कोई नहीं, नचन का टाइम होया सी। जाले 5'9", माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कद है, और मॉडल के लिए तो मतलब ये एग्जैक्ट क्या सांचे में ढलती हैं आप। एक क्या कमाल फिल्म आई थी पाकिस्तान की, रामचंद पाकिस्तानी। हमारे सुनने में आया है कि हीरो की वजह से आपको कद छोटा करके सीन करना पड़ता था। फारूक परे मेरे हस्बैंड बने हुए थे उसमें, फारूक भाई का कद भी आई थिंक गालिबन शायद मुझसे 1 इंच कम होगा। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। तो जब लोगों के साथ सीन हुआ करता था तो ऑब्वियसली दिखाना भी था कि मैं वहीं की हूँ, तो मुझे अपनी घाघरा चोली पहनते हैं वो लोग, तो मुझे अपनी टांगे ऐसे करके खड़ा होना पड़ता था सबके साथ। जनरली मोहिम मिर्जा करते हैं, मोहिम मिर्जा सबके साथ ऐसे करते हैं, हम सब करते हैं जब हमारे साथ। ये मैं आपको बता दूं ये क्या कहना चाह रही है, मतलब मैं आपको करके दिखा देता हूं कि होता क्या है। इमरान अपनी हाइट कम कीजिएगा क्योंकि शॉट इतना बना होता है, तो फिर हम पता क्या करते हैं आयशा, बैलेंस पे आ जाओ। आहा, किसने कहा तुम्हें, क्यों तुम मेरे इलाके में? तो ये करना पड़ा आपको वहां। जाले, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप पिछले बहुत से अरसे से निभाना चाह रही हैं लेकिन आपको ऑफर ये किया जा रहा है कि आप इस रिश्ते को निभाएं? एज इन कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर। कैरेक्टर मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स मिले हैं, और उनकी अदायगी भी मैंने की है, जिसमें फेस्टिवल की फिल्म्स भी हो गई और टीवी पे भी काम हो गया और फिल्मों में भी हो गया, बट एक चीज़ मैंने नहीं की और वो है डबल रोल आज तक नहीं किया, और वो मुझे बहुत शौक है करने का। बल्कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट से मुंसलिक होती हूँ मैं कहती हूँ प्लीज़ एक और डाल दें, डबल रोल कर दूँ। यानी कि ऐसा रोल हो गया आप खुद को खुद उधार पैसे दे रही हैं और फिर रोगे मांग रही हैं, मेरे पैसे नहीं दे रही, मेरे पैसे। बिल्कुल डबल रोल करना चाहती हैं? डबल रोल करना चाहती हूँ। फिल्म्स देखी हैं आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, हर फिल्म का एक बिल्कुल मुनफरिद जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा। रामचंद्र पाकिस्तान की आपने बात की, उसमें तो उसका जो प्री वर्क था जो हमने रिहर्सल्स की वही बहुत अमेजिंग थी। उसके बाद फिर मैंने की थी जलेबी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म की फिल्म थी, मेरा कैरेक्टर भी बिल्कुल उसमें डिफरेंट था, आई वाज अ बार डांसर। मुझे उसमें हर चीज़ करने को मिली, मुझे उसमें एक्शन करने को मिला, रोमांस करने को मिला, वायलेंस, आई लव वायलेंस पहली बार नजदीक तो उन्होंने जाले नु वेखिया ते घबराए रहे। Zale, you have a very unique name. मतलब क्या है इसका? Okay, so सबसे पहले तो मैं pronunciation आपको बता दूँ। Exactly. Oh, जैसे आपने pronunciation कहा है। Pronunciations, boys. Yeah. Pronunciation. आओ। होए होए होए। एक मिनट, आज पहली बारी जो है तू बगैर। सच्ची सच्ची बसी। एक ये या मो निकल गया। मेरा तलफ़ुज बहुत अच्छा है। और डांस भी। जैसे लड़कियां आपस में तारीफ करती है, हमें मौत पड़ती है आपस में। आप भी बहुत अच्छे हैं, आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, आपके बाल तो आंखों में पड़ रहे हैं। पता नहीं आपने लकी लोगों के माथे क्यों नहीं देखे आज। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग इस बात पे इतनी रोशनी डालते हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। आपकी पर्सनालिटी बड़ी मुकम्मल है सर, आप बड़े एक हसीन दिलकश आदमी हैं। बिल्कुल यार, जाले ने भी कहता जी सन चौंट दे स्कूटर गमू। जाले आपको लग रहा है? नहीं, आज से पहले मैंने इस किस्म की बेइज्जती सुनी भी नहीं। ए गल मेरे हक च या खिलाफ है? नहीं 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 खिलाफ है बिल्कुल। हाँ जी, सो बेसिकली मेरा नाम जो है वो फारसी का लफ्ज़ है, और ये जो है तीन नुक्ते वाला वो बहुत कम इस्तेमाल होता है उर्दू जबान में भी, सो इसका
एक्चुअल तलफ्फुज जो है वो है जाले, याले, और इसका मतलब है खुशहाली। जिसमें कि जाला बारी हुई, जाला बारी, बुए बारी, हाँ, अपनी अपनी बारी। याले सीरियसली बताना, इन तीनों में से हैंडसम कौन लग रहा है इस वक्त? झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि कोई कोई हैंडसम लग रहा है। आपका तो कोई भी नहीं। अच्छा मैंने इस गल का दुख नहीं कि मैंने किया, खुशी इस गल की है कि तुहानू। मजाकरात में वापसी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, देखते रहिए मजाकरात। अच्छा ओम साहब, आप एक बात जानते ही होंगे क्योंकि आप भी बड़े बाखबर सिंगर हैं पाकिस्तान के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुसी रियाज ही करते रहते हो, तुसी फियाज, अमजद, सब कुछ चलता है। क्या आप इस बात से आशना है कि याले सुरीली भी है? अरे जनाब सिर्फ मैं ही नहीं, सब आशना है के गाने माशाल्लाह बन जा रहे हैं। इनका गाना मैंने सुना भी है और बड़ा लोगों ने पसंद भी किया है। तो उसको सुनाने से पहले मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक का इंटरेस्ट कब से पैदा हुआ आपने? शुरू से। तो एक्टिंग से पहले म्यूज़िक में इंटरेस्ट था? एक्चुअली जब मैंने कदम रखा था इस बिज़नेस में, मेरे घर में सब गाना गाते हैं। अच्छा। खयाम चचा भी गाना गाते थे, मेरे वालिद भी गाना गाते थे, सलमा आगा मेरी फुप्पो लगती हैं दूर की मेरी अब्बा की कज़िन सलमा आगा जी। तो गायकी से सबका रुझान रहा है। लेकिन प्रोफेशनली आपने ही ट्रैक किया? मैंने, हाँ। बात कहाँ से निकली, कहाँ जा पहुंची, अब हम बात करेंगे। बात याले के गाने की तरफ आओ। मैं उन लोगों में से हूँ जो चुप नहीं करते। वो जो लोग होते हैं ना, वो आके कहते हैं आपने मैं गाना नहीं है, अभी मेरा गला खराब। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हमारी इंडस्ट्री में एक हमारी अदाकारा है, मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने बीच में कहना कि गाना सुनाए ना। ठीक है जी। हाँ हम रात को गए वहाँ, हमारे घर में खाना बना हुआ था, खाना सुनाया। एडी तैयार सिंगर मैं जिंदगी जी, मैं भी नहीं देखी कभी। एक गुलूकार से जिन्हों मतलब गाना ने स्टार्ट करना, जिथे किसी ने दा दी उतर रो के फिर शुरू तो गाँव। याले जी प्लीज सुनाइए। मेरे सौ सौ से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ नींदे पलकों से भागे रातें, आँखों में जागे दिन हो बहके बहके, गुनगुनाए हवा, मुस्कुराए फजा, झूमे जहां, सुन मेरे महबूब सुन। जिंदगी में आए तो बाट लग जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, आप भी ठीक हैं? आप ओ माशाल्लाह जाले सरहदी जी, कितना प्यारा नाम है। लेकिन एक दुख हुआ मुझे, सिर्फ पैसों की खातिर मुझे भुला दिया आपने। किसने दिए थे मुझे पैसे? थोड़े कम लग रहे मुझे। पैसों के अलावा तुम्हारे पास है कौन? बेबी काम डाउन, काम डाउन। लेकिन मैंने एक एडवाइस करनी है जी, आज के बाद आपने मुझे याद नहीं करना। हुई मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद मेरी कोई नहीं सुनता। फुर्सत में याद करना है तो मत करना,
हम तन्हा जरूर हैं मगर फजूल नहीं। फुर्सत में याद करना है तो मत करना, हम तन्हा जरूर हैं मगर फजूल नहीं। तू मुझे भूल के बहुत पछताएगा, अलड़ बलड़ पाएगा, बाबा कणक ले आएगा। किस किस ने ये लोरी सुनी है, हाथ उठा के बताए। अल्लड़ बल्लड़ बावे दा, बावा कणक ले आवेगा, बावी बैठे छटेगी, 100 रुपया बटेगी, 1 रुपया होता ओदा लेना लोटा, लोटे विच पानी मां तेरी राली, क्यों तेरा राजा सोने लड़ राजा, चंदी दिया पोरिया सत्ते तेरा गोरिया, 1 पैर काली ओए जमा। उदासी पे मैंने लिखा है, उदासी उदासी उदास लोगों से कि उदास मत रहा करो, ये उदासी इंसान को दीमक की तरह खा जाती है। इस पे मैंने लिखा है, खुश रहा करो, उदासी की हद पार तूने कर दी, गड्ढे ते न चढ़ दी गटीर इतने चल दी। यकीन करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखोगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा कि उनको भी अपनी उदासी की वजह पता ही नहीं। दूर रह के भी पास होते हैं, बस वही लोग खास होते हैं। पास सब कुछ है मगर फिर भी कुछ लोग बेसबब क्यों उदास होते हैं। इस दुनिया में फैसल कोई ना रोए, गल्ला गोरियां दे विच टोए। मैंने आपसे एक दिल की बात करनी थी, बेबी जस्ट कम ऑन। उदासी की बात कर रहा हूं, उदासी एक ऐसी बीमारी है सर जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। इंसान महफिल में भी अपने आप को तन्हा समझता है। ये मैंने आखिरी शेर है, उदासियों को ढटोलो कोई खुशी ढूंढो, कि जब तारीखियां भर जाए रोशनी ढूंढो। ये जिंदगी गुजारनी है हंस के रो के भी, जहां हो घुटन वहां जिंदगी ढूंढो, मायूसियों का यूं ना बनो निशाना, आ आ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, एक मिनट कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए मजाकरात। पहली मोहब्बत तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिससे भी पूछो वो कहता नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। किस उम्र में हुई? मुझे क्लास 4 में क्या एज होती है? क्लास 4 में तो मेरे ख्याल कोई एज नहीं होती थी मोहब्बत की, तो बिल्कुल मुझे, मैं स्कूल जाया करती थी, मुझे ना कोई यू नो क्रश होता था किसी पे। अरे ठीक है, नाम भी याद है मुझे, शाहजेब था एक। अच्छा बचपन में ना मुझे भी शाहजेब कहते थे, पता है आपको? शाहजेब साहब थे तो जब वो बड़े हुए तब तक रहे साथ? नहीं नहीं, स्कूल छूट गया, कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं, दूसरा स्कूल दूसरी कहानी। तो 18-19 साल तक आप कितने स्कूल चेंज कर चुकी हो? आप पढ़ाई में कैसी थी? मैं नर्ड, वो नर्ड नहीं होते, मैं तो बहुत ही पढ़ाकू, पढ़ाकू बस, वो शाह से भी लिख लेती और पढ़ लेती थी। अरे अरे कहा मेरे दोस्त, मैं अरे मुबारक मुबारक भाई मुबारक भाई, खुशखबरी सुनाने हैं अपने छोटे भाई को। छोटे भाई मुबारक हो यार, एक तो तुम्हारा शो कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, अरे ऊपर से तुम्हारे छोटे भाई फिराज ने भी निकल पड़ी अपनी। तो क्या हुआ, क्या शाहरुख को तेरा भाई जवाब देने लगा, उसने बनाई जवान, तेरा भाई बना रहा है किसान। एटम सॉन्ग है तेरे भाई का पहला,
अरे तो एटम सॉन्ग की तैयारी नहीं है, कहीं मुझे किसी के शागिर्द बनवा दो तो देखना तेरा छोटा भाई तेरा कितना नाम रोशन करेगा। वाह वाह, आइटम सॉन्ग तो नहीं लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि डांस तो कौन याले भी बहुत जबरदस्त करती है और सिखा भी सकती है आप। हेल्प करें ना उनकी, हेल्प हेल्प हेल्प। अरे जाने सरहदी देखे टीचर से मिल गए। आदाब फराज, अभी मैंने जवानी में कदम ही रखा है। ते कदम मुड़ के चुके या नहीं गया? जाले आपको मुबारक हो, चौथी क्लास दा शाहजेब आ गया। हम कभी शाहजेब हुआ करते थे, बाद में दिल टूटा फिर हम फराज हो गए। आए। तो हम आपकी शागिर्दी में आना चाहते हैं, इसमें मिठाई है। ये रख लीजिए, हमें शागिर्दी में ले लीजिए, हमें बस कोई एटम सॉन्ग सिखा दे। कुछ स्टेप मैंने याद किए हैं, एक ये भी मैंने सीख लिया है, ये वाला। यो बॉय, यो बॉय। और एक स्टेप ये भी आता है मेरे, ये बाबा जी दी कल अखबार से न्यूज आनी है कि आखिरी स्टेप जान ले बस साहब। कोई एक अनाथ हो जाए एक आध स्टेप। अच्छा इन पे वो गाना होगा, टर्नो आवाज आ रही डार्लिंग तेरे लिए। नीचे ऊपर बस आज के लिए इतना ही। जी जी जी, इंशाल्लाह मैं एकेडमी में आता रहूंगा, ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल। उस्ताद जी इजाजत है जी जी। आपको गॉसिप पसंद है? मुझे बहुत मजा आता है। सबसे ज्यादा किसकी क्या बात हो तो आपको बड़ा ही मजा आता है? मीरा कि यार जी, मीरा जी की कोई भी बात। Of course I am betting there's nothing to do and delete somewhere. So what to the headmaster I back to say that I am ill. Once upon a time there was a thirsty crow. It was searching for the water here. कुछ भी करो। आपको पता है कि याले मीरा जी की बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं। तो अच्छा, तो फिर डायरेक्टर साहब जरा लाइट तो ऑन की जाए स्पॉट, जरा ये तो हमें पता अब चला। शेरा माइक लाया जाए। शेरा वेख लो जिवें ट्रक ने टाकी बन्नी हुंदी। याले सरदी स्पॉट आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज आइए। शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये लोग सब हंस क्यों रहे हैं? मुझ पे हंस रहे हैं? मुझे लगा किसी ने मुझे बताया था कि मुझ पे हंस रहे हैं। अच्छा वो मैं क्या कहने के लिए आई थी, मैं अपने डिजाइनर के बारे में बात करने के लिए आई थी। मैं जो कपड़े पहने हैं ना, ये लुई विटॉन्स के हैं। वैसे मैं और मेरी मम्मी जो है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर में जो है वो ड्राइव्स करके कहीं भी जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा चले जहाज में आ जाए, तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। वैसे भी जो है हमारी इकोनॉमीज जो है वो गायब हो चुकी हैं, है ही नहीं। तो मैंने कहा कि मैं इस पे भरोसा करके जो है वो यहाँ आ जाती हूँ दुनियाज़ टीवी पे। अरे वाह। अच्छा अब मौका बना हुआ है अगर जी। ये तो मीरा जी थी जी। याले सरहदी की अपनी जिंदगी में कोई ऐसा किरदार जो दिल के बहुत करीब हो, अगर आप उसका कोई डायलॉग। ओके बिल्कुल। सो 2015 में मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था जलेबी। सो इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर था वो एक ऐसी लड़की का था जो कि अपना इस प्रोफेशन को छोड़ना चाह रही है और उसको एक शख्स से मोहब्बत है। तो उससे ये पूछा जाता है कि आप क्या हर किसी को लूटने आ जाते हैं? तो उसका जवाब ये था कि हम लुटे हुए क्या किसी को लूट सकते हैं। आए, 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 हम लुटे हुए क्या किसी को लूट सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
याने जी, इतने खूबसूरत लोग, जो लोग हमारे शो पे आते हैं जी, तो हमारे शो को चार चांद लग जाते हैं। उनके दिलों में, जहनों में कुछ सवाल है, वो पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कोई भी बात आप कहना चाहें तो माइक बढ़ाइए ऑडियंस की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महानूर। क्या करती है? मैं BScS की स्टूडेंट हूँ। क्या बनना चाहती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वाह, क्या सवाल है? मेरा याले से क्वेश्चन है कि आप सिंगिंग भी करती हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं और आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो इसमें से याले का फेवरेट प्रोफेशन कौन सा है? क्यों, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये मेरा एक बहुत अच्छा है, कि जिसमें आप खुद समझते हैं कि मैं इसको प्रेफर करूँगी हर चीज़ पे। सारे जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सब मेरे फेवरेट हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। क्या बात, टैलेंट चलता भी जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेगी? मेरा सवाल आपसे है। कही वो। अच्छा, बोला तो सबको आप फेवरेट है। अच्छा, ये मैं इमरान अशरफ से पूछना चाहूंगी कि उसका फेवरेट करेक्टर उसके लिए कौन सा है, बिल्लू चौधरी या मूसा? वाह वाह, मूसा नाम है मेरा। शहर के बीचों बीच काशाना पीरा नाम की हवेली है मेरी। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा रहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। करोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बहुत ही मुतमिन बचा है। मुतमिन पाजी होना जो फंसे है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। किस क्लास में? ICS फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट मैं। ओह, कंप्यूटर साइंस। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज कीजिए। कि कितने हसीन चेहरे मिले मगर तुम ना मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे भी मिले मगर तुम ना मिले, ये हसीन चेहरे, मौसम और तुम्हारी पसंदीदार चाय भी, मिलने के कई इशारे मिले मगर तुम ना मिले। रिक्वेस्ट भी थी आपसे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बिल्लू चौधरी को एक बार गले मिलूं अगर शायद आप आ जाए। बिल्लू चौधरी, जूंदारो पुत्र अपने तगड़े बूट पाए। हेलो। हेलो। हाय। हाय। व्हाट्स अप? अल्हम्दुलिल्लाह। How's everything? Alhamdulillah, fit. What's Wings about smooth? You? All good, all good. Blessed with the best team. Share kare aur like kare. Aur tinned icon ka button zaroor dabao. Kya naam hai aapka? Mahrukh Fatma. Kya kehna chahti hai? जो आपका फर्स्ट ड्रामा था अलीफ अल्लाह और इंसान, जिसमें आपने ट्रांसजेंडर का रोल किया था, तो आपने क्या सोच के वो रोल किया था कि लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं, वो क्योंकि वो बहुत मुश्किल रोल है? पहली बात तो ये कि बहुत से लोगों को ये लगता है याले कि अलीफ अल्लाह और इंसान मेरा पहला ड्रामा था, या किसी को लगता है दिल लगी मेरा पहला ड्रामा था। अलीफ अल्लाह इंसान से पहले मैं 40 सीरियल्स कर चुका था। अलीफ अल्लाह और इंसान का रोल एक ऐसा रोल था, क्योंकि तब तक जो अब वक्त है, अब तो वक्त ऐसा है कि कोई भी किसी भी तरह का टेढ़ा रोल करता है तो बात बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। मैं क्योंकि बहुत से विलन, बहुत से सपोर्टिंग रोल्स कर चुका था, तो मुझे कैटेगराइज कर दिया गया था कि ये हीरो नहीं है। तो मैंने एक रिस्क खेला कि इधर तो बहुत लंबी लाइन है, एक इस तरफ से भी रास्ता है जहाँ थोड़े खड्डे हैं या, लेकिन शायद पहुँच जाऊँ। जब मैं पहली दफ़ा अलीफ अल्लाह और इंसान का गेटअप करके सेट पे आया, तो हमारे जो जूनियर सपोर्टिंग कास्ट होती है, जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट होती है, वो घूम रहे थे, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बड़े प्यार से मिलते थे, तो मैंने उनके चेहरे पे भी एक दफ़ा ये देखा कि ये क्या। लेकिन डेस्टिनी, किस्मत, अलीफ अल्लाह और इंसान का शम्मो वो रोल है जिसने इमरान अशरफ को पहला अवार्ड दिलवाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस रोल का।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? मैम आप बताएं, आपको देख के क्या लग रहा है, कैसा हाल है मेरा? ठीक ठाक। अच्छा मैं कदों ना समझ रहा कि स्टूडियो की चिड़ी इतने कितने रहने। नाम क्या है आपका? शहजीन। शहजीन, क्या खूबसूरत नाम है। और करती क्या है आप? स्टडी। क्या पढ़ती है? सिक्स क्लास। ओए सिक्स क्लास में हो, तालियां। क्या कहना चाहती हो आप? मैं यही कहना चाहती हूँ बस, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन। ओए ओए। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी सच्ची मुस्कुराहट देख के आपके फैन हो। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? एक लव्स कहना चाहूंगी जो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा वर्ड है, 45 लेटर्स का। इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड जिसमें 45 अल्फाबेट्स हैं। यस। अच्छा जी, क्या लव्स है वो? नुमानो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनायोसिस। इसका मतलब क्या है बेटा? ये एक लंग डिजीज है, जो वोल्केनोज होते हैं उसके पास एक डस्ट होती है, सिलिका डस्ट, उसकी वजह से बीमारी होती है। ये बीमारी का नाम है। इसके स्पेलिंग सुनाइए। PNEUMONOULTRAMICROSCOPIC SILICOVOLACNOCONIOSIS। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इमरान भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मेरी बहन? अल्लाह का शुक्र है। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अरे जी माशाल्लाह। तो एंडिंग पे मेरा वर्ड खास तौर पे आपकी टीम, और सबसे ज्यादा जो मैं प्रेफर करूंगी वर्ड जो है वो मुज़ाकरात के लिए। मेरा एक शेर है, अधूरी बात है मगर मेरा कहना जरूरी है, मेरी चलती सांस तक तेरा रहना जरूरी है। खुदा करे आपने जो दुआ दी है मुज़ाकरात को, हमारी भी यही दुआ है कि जब तक हमारी सांसें हैं मुज़ाकरात ऐसे ही कामयाब चलता रहे इंशाअल्लाह। क्या ले, मैं ये बात पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी फ्लाइट है उसमें सिर्फ एक घंटा बाकी है। अगर हमने अभी अभी ये शो खत्म नहीं किया तो आप कराची वापस नहीं जा सकती जी। आप अपने बिजी स्केड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आई। I'm really thankful. आपकी जरा नवाजी है इमरान, ये क्या आपने मुझे कबूल किया यहाँ इस शो पे? मुझे बहुत मजा आया, it was amazing. सब बहुत अच्छे थे, आप सब and audience, everyone. क्या बात? Thank you. खुदा करे सारी जिंदगी आपकी जिंदगी में कोई गम ना आए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन यहाँ मौजूद है ऑन साहब, आइए प्रोग्राम की कुंडी लगाइए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बंसावर कर वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है,
हार जाते हैं जीतने वाले, वो नजर ऐसी चाल चलती है, वो नजर ऐसी चाल चलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, खिचके गोया कमान चलती है, यूं हसीनों की जुल्फ लहराए जैसे नागिन कोई मचलती है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, मारे सारे गा, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने